हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द्रोण स्कूल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे की जाए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा। देखो भाई, इंटरनेट का ज़माना है, हमारे पास स्टडी मटेरियल बहुत सारा है, पर हम पढ़ें कहाँ से। कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जो कि गोल ओरिएंटेड हों। किताबें तो हमें बहुत सारी मिल जाएंगी, पर क्या सिर्फ एक किताब पढ़ लेने से नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाएगा? ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। ये वीडियो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उन गार्जियंस के लिए भी जो अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय में डालना चाहते हैं, उनका एडमिशन कराना चाहते हैं। इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि किस हिसाब से नवोदय विद्यालय की तैयारी की जानी चाहिए, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप स्टडी मटेरियल कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी सेक्शन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चंस आते हैं नवोदय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जिसमें से 20 क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स के, 40 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के यानी कि मेंटल एबिलिटी, जिसे आप मानसिक योग्यता भी बोलते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज के। अब इस लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है, जो भी आधिकारिक भाषाएँ हैं भारत की, जैसे इंग्लिश और हिंदी, ज़्यादातर लोग इंग्लिश और हिंदी ही चुनते हैं, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। लैंग्वेज में आप इंग्लिश या फिर हिंदी के अलावा अन्य कई भाषाएं भी चुन सकते हैं, जैसे उड़िया, तमिल, तेलुगु इत्यादि, ये सारी भाषाएं आप चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से 3 सेक्शंस में एग्ज़ाम होता है ये, पहला मैथमेटिक्स, दूसरा रीजनिंग और तीसरा लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लैंग्वेज वाले सेक्शन पर। लैंग्वेज में अधिकतर पैसेजेस आते हैं, उन पैसेजेस में से आपको आंसर छांट छांट के लिखना होता है, उसी पैसेज में से क्वेश्चन दिया हुआ होता है और आंसर आपको उसी पैसेज में मिल जाता है। तो ये चीज़ बच्चों में कैसे डेवलप होती है? जब बच्चा धीरे धीरे किताब पढ़ना शुरू करता है, रेगुलर हैबिट में लाता है किताब पढ़ना, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती हैं कि मतलब पैसेज को देखा बच्चा और उसमें से आंसर छांट के लिख लिया। तो लैंग्वेज वाला सेक्शन तो बड़ा ही आसान होता है, इसे आसानी से कवर किया जा सकता है। बाकी बच्चा हमारे पास रीजनिंग और मैथमेटिक्स। देखिए, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इनमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर आप रीजनिंग के कॉन्सेप्ट एक बार समझ लें तो उसको भूलते तो नहीं है बच्चे, बाकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ही उनकी स्किल्स डेवलप होंगी। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथ से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है और इसी में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी इसी में होते हैं। मैथमेटिक्स में ही सबसे ज़्यादा चैप्टर्स हैं तो 20 ही क्वेश्चन, लेकिन चैप्टर लगभग 25-26 चैप्टर्स हैं इसमें, तो इसे कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है बच्चों को। और मैथमेटिक्स ही ऐसा सेक्शन है इसमें जो बच्चों को या तो फेल करा सकता है या तो पास करा सकता है। बाकी दोनों सेक्शंस आसान है, लैंग्वेज का मैं सबसे आसान मानता हूँ, उसके बाद रीजनिंग और फिर आता है मैथमेटिक्स। चलो भाई, ये तो हमने बात कर लिया एग्ज़ाम पैटर्न का, कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी पे कि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम हम कैसे निकाल सकते हैं। इस पूरे डिस्कशन को मैं 5 भागों में डिवाइड करता हूँ, जिन्हें मैंने कहा है 5 पिलर्स ऑफ प्रिपरेशन। मैं अच्छे से समझाता हूँ इन सारी चीज़ों को आपको। पहली चीज़ जो आती है वो है कि पूरे सिलेबस की थियोरी को हम अच्छे से कवर करें, कॉन्सेप्ट्स को समझें, चैप्टर कौन कौन से हैं, उन चैप्टर्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं वो हमें सही से समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो। रीजनिंग में भी 10 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उन 10 कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी होता है। तो प्रैक्टिस से पहले का काम है भाई हमें सिलेबस को समझना, पहले थियोरी वाला पार्ट समझना। जब तक हम थियोरी वाला पार्ट नहीं कवर करेंगे, जब तक हमें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो रटने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रटने से तो सॉल्व होगा नहीं जब तक आप उसका बेस नहीं समझेंगे। दूसरी चीज़ आती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। जी, अब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, हमें आता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन भाई टाइम लिमिट भी तो है ना, आपको एक गिवन टाइम इंटरवल में ही सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कुछ हार्ड क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको रिजेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना है, तो ये हैबिट आपके अंदर कब डेवलप होगी? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ध्यान रखना पहले थियरी कवर करो, उसके बाद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करो।
अब ऐसा नहीं है कि पहले हमने सारा थ्योरी का पोर्शन कवर कर लिया उसके बाद हम प्रैक्टिस सेक्शन पे भिड़ रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। जो भी कॉन्सेप्ट आज दिन में आप पढ़ रहे हो उसकी शाम को प्रैक्टिस ज़रूर कर लो, जो कॉन्सेप्ट कवर होता जाए उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। लास्ट में जब हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे तो उसमें हम मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, गुड गाइडेंस। जी बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनको गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत है, बड़े बच्चों को उतनी ज़रूरत नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट हमारा है सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देखो हमने थियोरी भी कवर कर लिया, हमने प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक एग्ज़ाम का आइडिया नहीं मिलेगा आपको। आपको एग्ज़ाम को समझना ज़रूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि कौन से क्वेश्चन को हमें छोड़ना होता है। हाँ, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व करने होते हैं, उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में हमें अपना बेस्ट देना होता है। कुछ क्वेश्चन जानबूझकर बहुत हार्ड होते हैं ताकि आप उस पर फंसे रह जाओ। तो ये स्ट्रेटजी कब डेवलप होगी, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, जब आप पिछला क्वेश्चन पेपर उठाओगे, देखोगे भाई क्या आया हुआ था और कैसे इसको सॉल्व करना है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है मॉक टेस्ट। ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि बच्चों में एग्ज़ाम का डर होता है। जब तक उस टाइम लिमिट में बच्चे क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करते हैं तब तक वो डर दूर नहीं होता है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए, पहले थियोरी को कवर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए। चलिए बहुत अच्छे, अभी तक हमने बात कर लिया कि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उनकी तैयारी कैसे की जाए। अब अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि भाई स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, क्या सिर्फ किताबों से काम चल जाएगा या फिर हमें ट्यूशन करानी पड़ेगी, उसके लिए द्रोण स्कूल है ना। हमने नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कोर्स तैयार किया हुआ है। हमारे कोर्सेस आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आप पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में मंगा भी सकते हैं। हमारे कोर्सेस मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7897293790। चलिए अब मैं कोर्स के बारे में कुछ डिटेल जानकारी आपको दे देता हूँ। हमारे कोर्स की कुछ खास विशेषताएं हैं जिन्हें मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ कि हमने पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया है मैथ्स और मेंटल एबिलिटी का। जैसा कि वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया कि लैंग्वेज का सेक्शन बहुत आसान होता है, तो वो हम यूट्यूब पर कवर करा देंगे। दूसरी चीज़, टोटल 250 वीडियो लेक्चर्स हैं इस पूरे कोर्स में, तो इतना वीडियो लेक्चर तो भाई सफिशियंट है किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए भी। तीसरी चीज़, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, चाहे वो विद्यार्थी हिंदी मीडियम का हो चाहे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों के लिए बिल्कुल सूटेबल कोर्स है। चौथी चीज़, एनिमेशन एंड डायग्राम्स का इस्तेमाल करके हमने वीडियो कोर्स तैयार किया है, काफ़ी रिच कंटेंट तैयार किया हुआ है। हमने ग्राफिक्स और एनिमेशन का इस्तेमाल करके रिच वीडियो कंटेंट तैयार किया है ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट बड़े ही आसानी से समझ में आ जाए। रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन से बच्चे बहुत डरते हैं, उसके लिए हमने एनिमेशन तैयार कर दिया है। हमने बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी तैयार किए हैं, जैसे किसी महीने में दिनों की संख्या कितनी होगी इसे जानने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स, और भी कई सारे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स भी हमने वीडियो में बताया है, अच्छे से समझाया है। ग्राफ वाले चैप्टर में बच्चों को समझने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो हमने जितने भी प्रकार के ग्राफ होते हैं सभी को इलस्ट्रेटिव तरीके से समझाया हुआ है, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। जहाँ भी बच्चों को समझाने के लिए ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हमने इमेजेस इस्तेमाल किए हैं, डायग्राम्स इस्तेमाल किए हैं, एनिमेशन के माध्यम से वीडियो तैयार किया हुआ है। कई जगह हमने फॉर्मूले को समराइज़ करने के लिए टेबल्स का इस्तेमाल किया है, जैसे आप परिमाप या क्षेत्रफल वाले चैप्टर में अगर देखें तो कई सारी आकृतियाँ हैं हमारे पास और उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी हैं, तो उनको हमने एक टेबल में समराइज़ कर दिया है ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए और बच्चे डिफरेंस निकाल पाएँ कई सारी आकृतियों के बीच, उनके बीच क्या संबंध है, उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है। आप हमारे कंटेंट का कुछ सैंपल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तो रही मैथ्स की बात, इसी तरह से हमने रीजनिंग के क्वेश्चन भी तैयार किए हैं। रीजनिंग में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे रखे हैं। शुरू में हमने कॉन्सेप्ट कवर कराए हैं, जैसे मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, कागज़ काटने वाला कॉन्सेप्ट, तो हमने रीजनिंग वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत कराई है क्योंकि इनमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जो बच्चों को परफेक्ट बनाता है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के लिए। पाँचवा पॉइंट, लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट। हमने पूरे कोर्स को 4 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नवोदय विद्यालय का पूरा कोर्स हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। जैसे आप स्क्रीन के सामने अपने देख रहे हो, ये द्रोण स्कूल का फोल्डर है जिसमें पूरा का पूरा कोर्स है, पूरा सिलेबस है। इसको मैं खोलता हूँ, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, पहला मैथ्स और दूसरा मेंटल एबिलिटी यानी गणित और मानसिक योग्यता। अगर मैं मैथ्स के अंदर जाऊँ
तो आप देख सकते हो 4 फोल्डर्स हैं इसमें, M1, M2, M3 एंड M4। तो पूरे मैथ्स के सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 4 लेवल्स में बांटा गया है। और ये लेवल्स कठिनाई के आधार पर बांटे गए हैं। जैसे M1 में जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े आसान चैप्टर्स हैं, M2 में उससे कठिन, M3 में उससे कठिन, और M4 में सबसे कठिन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है जिनमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। जैसे अगर मैं M1 के अंदर जाता हूँ तो इसके अंदर के चैप्टर्स आप देखो, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएँ, उसके बाद फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, उसके बाद है LCM और HCF, उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याएँ। एक बात और आप ध्यान देना कि जो भी सारे वीडियोस हैं, जो भी लेक्चर्स हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं। इसी तरह से अगर मैं दूसरे लेवल में जाऊं यानी कि M2 में, तो आप देख सकते हो 7वें चैप्टर से यहाँ पे स्टार्ट किया है हमने, सिंप्लीफिकेशन, फिर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, पावर एंड इंडिसेस। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो पहले वाले लेवल से थोड़े कठिन हैं। उसके बाद अगर मैं M3 में जाऊँ तो आप देखो यहाँ पे M3 में ये सारे चैप्टर्स पिछले वाले चैप्टर से भी थोड़े कठिन चैप्टर हैं। ग्राफ एंड स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर्स हमने चित्रों के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से अच्छे से समझाया हुआ है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए सारा कुछ, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये लास्ट लेवल M4 में अगर मैं जाऊँ तो इसमें ऐसे चैप्टर्स हमने रखे हैं जिनमें बच्चों को काफ़ी कठिनाई होती है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, प्रॉफिट लॉस, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड, वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय जिसमें वो मजदूर वाले क्वेश्चंस आते हैं, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड जो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये चैप्टर्स थोड़े से कठिन लगते हैं बच्चों को, इसलिए हमने लास्ट लेवल में इसको रखा है। और इन सारे फोल्डर्स के अंदर वीडियो लेक्चर्स हैं, जैसे मैं पहला ही खोल के दिखाता हूँ, इसमें देखो, इसमें आप देख सकते हो सारे वीडियो लेक्चर्स जो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, इस चैप्टर से ताल्लुक रखते हैं, वो इसमें है। उसी तरह से इस वाले फोल्डर में आप देख लो वर्क एंड टाइम में, इसमें वर्क एंड टाइम से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। तो इस तरह से मैथ्स के पूरे सिलेबस को इस तरह से लेवल वाइज डिवाइड किया गया है ताकि पढ़ने में आसान हो जाए और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हो जाएं, क्योंकि लेवल 1 में जो चीज़ें कवर की गई हैं वो लेवल 2 में काम आएंगी। जैसे आपने अगर गुणनखंड और गुणज पढ़ लिया तो वो काम आएगा LCM और HCF में यानी लस और मस में। उसी तरह से M2 यानी लेवल 2 में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें जो कॉन्सेप्ट कवर किए गए हैं उन कॉन्सेप्ट का उपयोग लेवल 3 में होगा। तो इस तरह से नवोदय के मैथ्स के सिलेबस को 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। ये तो रही मैथ्स की बात, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता। ड्रोन स्कूल का ये फोल्डर है, मैथ्स का हमने देख लिया, मेंटल एबिलिटी में आप देखो, मेंटल एबिलिटी में 10 टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। ये 10 टॉपिक आपके सामने हैं, देखो, सिमिलर फिगर यानी समान आकृति, ऑड मैन आउट यानी कि वर्गीकरण, उसी तरह से मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। तो इस तरह से ये 10 टॉपिक्स हैं जिनमें बच्चों को सबसे कठिन लगता है पेपर कटिंग यानी कागज काटना और पैटर्न कंप्लीशन। ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक फोल्डर खोल के दिखाता हूँ, देखो आप, पेपर कटिंग का, तो इन सब में 10-10 वीडियो लेक्चर्स हैं जिनमें अच्छे से थियोरी के साथ सारा कॉन्सेप्ट कवर किया गया है। तो इस तरह से मेंटल एबिलिटी का भी पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक्स आते हैं उन सभी को हमने इन 10 भागों में कवर किया हुआ है। अगला पॉइंट कि कोई भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं है जिसे हमने कवर नहीं किया है, क्योंकि कोर्स बनाने से पहले हमने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ किया, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे और देखे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उस हिसाब से हमने पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया। और दूसरी बात, क्योंकि पूरा जो कोर्स है वो 250 वीडियो लेक्चर्स में बनाया गया है, तो इसका मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस मटेरियल भी इसमें भरपूर इंक्लूड किया गया है। आप इसे अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर एंड्रॉयड मोबाइल पर चला सकते हैं। चलो भाई, ये तो हमने आपको बता दिया कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। अब इस कोर्स को प्राप्त कैसे करें, इस कोर्स को मंगाएं कैसे? या तो आप इसे ऑफलाइन मंगा सकते हैं या आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है जहाँ से आप पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा कोर्स ये डाउनलोड कर सकते हैं जो कि द्रोण स्कूल द्वारा तैयार किया गया है नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड भी मंगवा सकते हैं। चाहे आप इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए या फिर हमसे मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव मंगाइए। आप तक मटेरियल पहुंचने के बाद आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आप हमें इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम आपका कोर्स एक्टिवेट कर दें। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे इस कोर्स को डाउनलोड कैसे करना है। नवोदय की तैयारी के लिए आप हमारा कंप्लीट कोर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे आपके सामने आपके गूगल ड्राइव में ये वाला फोल्डर खुल के आ जाएगा।
ये द्रोण स्कूल का वही फोल्डर है जो मैंने आपको ऑफलाइन दिखाया था। अभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस पूरे फोल्डर को, जिसमें हमारा कंप्लीट वीडियो लेक्चर कोर्स है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये द्रोण स्कूल का फोल्डर, इसके अंदर वही सारी चीज़ें, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, दो चीज़ें। मैथ्स के अंदर आप देख लो M1, M2, M3, M4, ये चार लेवल्स, जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन दिखाया था। अगर आप M4 खोलते हैं तो आप देखिए इसमें वही सारे चैप्टर्स हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, सारे के सारे चैप्टर्स वही हैं। इसके अंदर आपको वीडियोस भी सब वही मिल जाएंगे जो वीडियोस हमने ऑफलाइन आपको दिखाया था। उसी तरह से आप मेंटल एबिलिटी के भी सारे लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं यहीं से। ये देखो आप, मेंटल एबिलिटी का मैंने खोला, इसमें कुल मिला के 10 पार्ट हैं। डाउनलोड करने के लिए या तो आप अलग अलग फोल्डर कर सकते हैं, जैसे मेंटल एबिलिटी का पहला चैप्टर करना है तो राइट क्लिक करके आप डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा आपके सामने, देखो ये रहा, डाउनलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग फोल्डर, या फिर पूरा कंप्लीट कोर्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो द्रोण स्कूल का फोल्डर है ना, इसी पे आप राइट क्लिक करके कंप्लीट कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड हो जाएंगे। देखिए आप, डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा वीडियो कोर्स डाउनलोड करने के बाद आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सअप करके हमसे पासवर्ड मंगा सकते हैं। चाहे आप इस कोर्स को ऑनलाइन डाउनलोड करें या फिर हमसे ऑफलाइन पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड मंगा लें, दोनों में कंटेंट एक ही है। बस डिफरेंस यही है कि आप इसको अपने लेवल पर डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग फोल्डर्स में डाउनलोड कर सकते हैं, और जो हम यहाँ से भेजते हैं वो पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड में होता है। बाकी कंटेंट सब कुछ वही है, सब कुछ सेम है, कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी आपकी तरह नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकें। और हाँ, इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।